तो इंशाल्लाह ए जनाब लतीफा बाद दी बस्ती दे विचू ए आशकान ए मुस्तफा ने जेड़ा बूटा लाया ना जी, एक दिन इस दी महक ना जी पूरी दुनिया दे उत्ते फैल जाएगी। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गो, इश्क़ मुस्तफा एक ऐसी चीज है ना जी कि अकल जेड़ी है ना जी, अकल वो दलीला ढूंढ दी है, ओदा इतना सफर नहीं होता, लेकिन जेड़ा इश्क होता है ना जी, इश्क ना ही दलीला ढूंढता है ना सफर वेखता है, बस वो ये वेखता है कि यार किस मकाम उत्ते है। ठीक है ना जी, जे यही इश्क मुस्तफा अगरचे हजरत उवैस करनी दे सीने दे अंदर होवे, ते उवैस करनी अपने घर बैठा होवे, ते मदीने वाला माही मदीने अंदर बह के उन्हों याद करता है। ठीक है ना जी, जे यही इश्क मुस्तफा हजरत बिलाल दे सीने दे अंदर होवे, ते करीम लजपाल आका हजरत अबू बकर नु फरमा देवन के जाओ मेरे बिलाल नु खरीद के लाए आओ। ठीक है ना जी, जे यही इश्क मुस्तफा गाजी इलम दीन दे सीने दे अंदर आ जावे, ते फिर करीम लजपाल आका मदीने च मेहरबानी फरमा के जेड़ा नादरा भी ना पढ़िया होवे उन्हों कुरान पाक भी पढ़ा देवन, जनाब मन फारसी भी पढ़ा देवे, अरबी भी पढ़ा देवे, सब कुछ हो जाए, यही इश्क मुस्तफा अगरचे मुमताज कादरी के सीने दे अंदर आ जावे, ते फिर मुमताज कादरी नू जदों जनाब मन वक्त दिता जावे कि फिलहाल वक्त दे अंदर फांसी दा फंदा है, ते मुमताज कादरी 5-10 मिनट पहले चल पवे, ते लोग पूछे हजरत टाइम रहा है, ते आप फरमावे के मदीने वाला माही लवन वास्ते जो आ गया। मैं उस टाइम नू जनाब की करना है, मैं आका अलैहि सलातु वस्सलाम को इंतजार ते नहीं ना करा सकदा, जे यही वो इश्क मुस्तफा अगरचे बाबे खादिम हुसैन रिजवी दे सीने दे अंदर आ जाए, हैं तो फिर जनाब मन कोई वक्त नहीं गुजरिया, कोई सदियां नहीं गुजरिया, कोई महीने नहीं गुजरे, एक हफ्ते की बात है, इस वक्त तक ना किसी पास कोई हुकूमत की खबर आ रही है, ना किसी पास कोई सियासतदान का बयान आ रहा है, ना किसी पास, हर पास यह नहीं लगता है कि सब भी सुख गया है। उसकी वजह क्या सी कि बाबा खादिम हुसैन रिजवी उन्हें अपना काम तमाम करके जनाब मन दुनिया छोड़ी है, इस वास्ते जनाब मन अज कुफर भी परेशान है कि जिसते मरण के उत्ते एडी आवाम कट्ठी हो गई है, अगर जे वह नबी का गुलाम आवाज दे देवे तो फिर हुजूर के गुलामों की क्या शान होगी, किस तरीके दे नाल जनाब मन जमा होने गए। बाबा से बुला नारा लाइए, लबाई लबाई की या रसूल अल्लाह, लबाई लबाई की या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह मेरे दोस्तों, बस यही पैगाम है कि आज इन दोस्तों ने मेहरबानी फरमा के अलामा नूर अहमद साहब और इम्तियाज महमूद नक्शबंदी साहब, माशाल्लाह जितने दोस्त आवाब तुसी चल के आए हो, इन्होंने जनाब मन कोशिश करके मेहनत करके काविश करके रात दिन एक करके ते असानू जमा कीता है, ते साडा हक बनता है कि असी हुण इस मकाम ते आ गए हैं ना जी, फिर सब कुछ छोड़ के दिल दे अंदर जनाबे मन ए ना होवे कि इम्तियाज महमूद नक्शबंदी सानू फोन करके कवे कि यार मेरे नाल फिला मसला पेश आया है, ते अगे मैं कहां तो यार मेरे निकाह दा मसला है, इंज फिर नहीं करना चाहिदा, ए मैनू फोन करके बुलावन यार अज साडे कोल प्रोग्राम है, ते मैं आखां यार मैनू ठंड बड़ी लगदी पई है, हैं इस तरीके नाल फिर नहीं करना चाहिए, फिर सानू जनाबे मन दिलो जान नाल इन्हां दे नाल चलना चाहिए है। जिस मकाम उत्ते हजरत दा जनाबे मन पसीना डावे ना जी, असां वर्गे नौकरां दा उस मकाम उत्ते खून गिरना चाहिए है। ठीक है ना जी, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गो, जो आया अल्लाह तबारक व तआला दे कलाम दे विचों दो अल्फाज तिलावत करन दा शर्फ हासिल कीता है, उस जनाब मन उलमा हजरात बैठे ने, ये बेहतरी जानते हैं, खूब ही जानते हैं, अगरचे मैं कोई आलम नहीं, कोई कमी कुता ही हो गई थे, इसलाह फरमा दे सन, कयामत वाले दिन अल्लाह तबारक व ताला ने जिस वक्त बंदे नु कठा करना ना, ते अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाने कि ऐ मेरे बंदे आ तेरी किताब मौजूद है, जेड़ा कुछ तू दुनिया के उत्ते करके आया, आ किताब तेरे सामने मौजूद है, आ लोग भी मौजूद ने, उस मकाम उत्ते मुरादे मुस्तफा भी बैठा होगा, यारे गार भी बैठा होगा, हजरत उस्मान भी बैठे होंगे, अली भी बैठे होंगे, प्यारे मुस्तफा भी बैठे होंगे, सैयदना आदम अलैहि सलाम को गिन के जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह दे आखिरी उम्मती तक सारे लोग मौजूद होंगे, उस वक्त रब फरमाएगा आए मेरे बंदे जो दुनिया के उत्ते करके आए, जरा पढ़ के सुना ना की करके आए, तवज्जो है ना मेरे दोस्तों दी, उस वक्त जब रब ने फरमाया ना जी ए मेरे बंदे दस दुनिया के उत्ते की करके आ हिस्ट्री है तेरी आ सामने पढ़ के इन लोगों को दस ना, ते फिर बंदे की फितरत है ना जी, बंदा फिर की अर्ज करेगा या अल्लाह मैनू शर्म आंदी है जरा तू पढ़ के सुना दे, रब फरमाएगा जिस वक्त तू शराब पीता सी उस वक्त शर्म नहीं सी आंदी,
उस वक्त मैं तेन रब नजर नहीं सी आंदा, जिस वक्त जनाब मैं दूजिया इज्जत उत्ते हमला करता सी उस वक्त भी मैं रब तेन नजर नहीं सी आंदा, जिस वक्त लोगों दी जानां दे उत्ते जुल्म करता सी उस वक्त भी मैं रब तेन नजर नहीं सी आंदा, रब नजर आ रहा है अज तेन नजर आ रहा है, करके भी तू आया हुण पढ़ के भी जरा तू सुना। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों की जवाब होगा उस वक्त साढ़े को, अगरचे असी हजूर अली सलातू वसलाम की जात नाल इश्क किया, आप अली सलातू वसलाम की जात नाल मुहब्बत की, जे कयामत वाले दिन साढ़े नामा अमाल दे विचों हजूर का इश्क निकल आ जाएगा तो समझ लेना कि दुनिया भी कामयाब है आखरत भी कामयाब है। किताब करना बड़ा औखा हो जाए, बहुत पढ़े लिखे बंदा हो तकलीर असि अगे पूर्व तेन की दसने, जिम्मे किसी आख्या तकलीर की तहन कुछ आंदा है, उन्हें आख्या जी कुछ तकरीर की करनी, चला गया। उन्हें फिर सद्या पैसे दे के आख्या कि हुण तुसीं आखणा कि सानूं आउंदा ही कुछ नहीं, फिर तो कुछ सुनाएगा, फिर उन्हें कुछ आउंदा जे उन्हें कोई नहीं तुहानूं आउंदा नहीं तां दसना की है, वह फिर चला गया। साढ़े जिन्हें सहबाब आए ने अपना किराया ला के अपने गड्डियां तेल पा के खुद पहुंचे ने और सिर्फ फकत इश्क मुस्तफा दिखा, कोई लालच नहीं, कोई किराया नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक गल एक वन पॉइंट एजेंडे ते आए ने कि आका दी मुहब्बत दी शमा रोशन करना है, नमूसे रसालत ते अजमत मुस्तफा वास्ते आए ने जितने अहबाब भी आए ने। तो जलालपुर तो तशरीफ ले आए ने जनाब जिंदल कुरा उस्तादुल कुरा कारी गुलाम रसूल साहब को, मैं दावत देंगा कि तशरीफ लियान और अपने ख्याल दाजार फरमान। नारा तकबीर, नारा रिसालत, और कोई नहीं सुभान अल्लाह दी दात होवे ना, नारा रिसालत, नारा हैदरी, ओम अल्लाह नबी यबादा, क्या बात, और इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام أحباب پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے صلوا عليه وسلموا تسليما اونچی آواز نال پڑھو نا صلاة و سلام یہ خدا علامہ امتیاز صاحب دے بیان چپ جتی دیر بیٹھے ہوئے ہوں جتی دیر میں کھڑا تو چپ نہیں رہنا سبحان اللہ سبحان اللہ मुजाहिद अहले सुन्नत दे नाल अपना किहड़ा रिश्ता है, इतना सफर किते गड्डी किराए ते कीती है, रात एक बजे गए हैं, सवेरे सारा दिन इंतजार कीती जनाजे दी, जनाजा पढ़ दे आए हैं, अपना दुनियावी तो कोई रिश्ता नहीं ना, अगर रिश्ता है तो आमना दे लाल दे नाल, अगर रिश्ता है ना आमना दे लाल दे नाते दे नाल है पिया, जेड़ा जवान ने कम कीते अल्लाह दी कसम है مشرق تو مغرب شمال و جنوب دے لوگے کو دس دتے کہ عاشق رسول اج بھی زندہ ہے سبحان اللہ عاشق رسول اج بھی زندہ ہے یقینا میری تڑپ ائی کہ میں بھی کوئی دین دا کم کراں دو دین تری دین رات دے کو نیند نہیں آئی آخر کار میں عبد جلال تو شہر وچ رابطے شروع کیتا کیا بات ہے قبلہ سچ اللہ دی ذات گواہ ہے تے اللہ دے رسول جان تے منبر رسول دے کھڑ دے سچ کھڑا تھا मैं अपने अहबाब दे नाल राबता कीते कुछ ने सकूं मना कीते ते कुछ ने आके असा तुहाडे नाल है सुभान अल्लाह कुछ ने मना कीते ते कुछ ने आके असा तुहाडे नाल है मैं एक प्रोग्राम बना दे ते ई दौरान कारी बिलाल साहब तशरीफ फरमान इन्हां दा फोन है उस्ताद नूरा मसावी तशरीफ फरमान मैं इन्हां दा फोन कीता मैं इन्हां को मैसेज दिते कि मैं ये प्रोग्राम बने दा पिया ते उस्ताद ने कहा सारे कोल तशरीफ घे नावन
ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੋ ਸਾਰੀ ਕੰਢ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤਹਿਸੀਲ ਯਜ਼ਮਾਨ ਵਿੱਚ ਥੀਂਦਾ ਪਏ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਤੋਂ ਹਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਕਾਬੇਰੀ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ 10-12 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਬਲਾ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਖਿੰਦਾ ਸਨ ਅਲਾਮਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਖਿੰਦਾ ਸਨ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਿਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਲਾ ਵੀ ਕਰੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮਾ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲਾ ਮੈਂ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਰ ਮਜਰੂਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਬਤਦਾ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੌਸੂਫ ਸਿਫਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸ਼ਰਮ ਆਤਾ ਅਮਲ ਆਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਬਾਰਤ ਪੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਆਪ ਸੁਣੇਦਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨੂ ਫਰਮਾਇਦਨ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਕੂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਕੋ ਫਰਮਾਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਅਸਹਾਬ ਕੋ ਜੀ ਕੇ ਕੋ ਸਹੀ ਪਾਕ ਅਸਹਾਬ ਕੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਕੂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸੋਹਣਾ ਸਈਆ ਮੁਬਾਰਕ ਤਰੀਤੀ ਹੈ ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਇਹ ਫਰਮਾਓ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੁਬਾਰਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਨਬੀ ਮੁਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸਾਂ ਮੇ ਕੋ ਡਿੱਠੇ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਅਨਵਰ ਡਿੱਠੇ ਵੇ ਚੰਦ ਕੋ ਲਾਂਦਾ ਵੀ ਡਿੱਠੇ ਵੇ ਸੂਰਜ ਕੋ ਵਾਪਸ ਲੌਟਦਾ ਵੀ ਡਿੱਠੇ ਵੇ ਔਰ ਦਰਖਤਾਂ ਕੋ ਬੁਲੇਂਦਾ ਵੀ ਡਿੱਠੇ ਵੇ ਗੋ ਕੋ ਬੁਲੇਂਦਾ ਵੀ ਡਿੱਠੇ ਵੇ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਪੱਤਾਂ ਕੋ ਕਲਮਾ ਪੜਦਾ ਵੀ ਡਿੱਠੇ ਵੇ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਈਮਾਨ ਖੇਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਈਮਾਨ ਖੇਨਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਸੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ 7 ਦਫਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਸਹੀ 7 ਉਹਨਾਂ ਕੋ 7 ਦਫਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੰਦ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਥੀਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਡਿੱਠਾ ਹੋਸੀ ਸੂਰਜ ਵਾਪਸ ਲੌਟਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਡਿੱਠਾ ਹੋਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਔਸਾਫ ਉਹ ਸਿਫਾਤ ਵੇਖੇ ਦੇਖਦੇ ਮੇਰੇ ਅਨਵਾਰੋ ਤਜਲੀਆਤ ਪੜਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸਕੋ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰੀ ਮੁਖਤਸਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ अपने वालिद दी सीट ते मौजूद ने और इन्होंने वालिद साहब रहमत फरमा गए अल्लाह उन्होंने कब्र ते करोड़ा रहमत नाज़िल फरमाए वही मदरसा वही अदारा अज माशाल्लाह पूरे शान शौकत नाल चल रहे है और आप उत्थे बह के दीन मतीन दा कम कर रहे और यकीनन एक फोन ते आपनूं किया और आपने फौरी हामी भरी कि इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ और मैं हूँ दावत देना चाहना डेल वाले तो आई हुई शख्सियत जिनतुल कुरा फखरुल कुरा बहुत बड़े अदारे दे मालिक और बड़ा अदारा चला रहे कुरान पाक की खिदमत दे वाले नाल आपका बड़ा ना है जनाब कारी अब्दुल मालिक साहब तशरीफ लैके आएंगे और अपने ख्याल का इजहार फरमा नारा तकबीर नारा रिसाला नारा हाजरी حامد و مصلی اما بعد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے وہ مالک حقیقی جس طرح آج ہمارے ان بھائیوں نے ایک اس تحریک کا آغاز کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس تحریک کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے آمین
लेकिन जिस तरह हमारे उलमा कराम अपना इजहार ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, माशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला मजीद बरकतें अता फरमाए। सबका जोश व खरोश उरूज पे है, अल्लाह ताला सुबह क़यामत तक ऐसे उरूज ही बख्शे। लेकिन बात यह है कि हर किसी हर शख्स अपने जहन की बात करता है और कुरान व हदीस का सहारा लेता है। तो इश्क़ मुस्तफ़ा महब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला वसल्लम बिल्कुल ईमान की जान है, ईमान की जान है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर इश्क मुस्तफ़ा है, इश्क मुस्तफ़ा है तो ईमान है, अगर इश्क मुस्तफ़ा नहीं है तो ईमान नहीं है। जब ईमान नहीं है तो इंसान बेकार है, जब ईमान नहीं है तो इंसान बेकार है। लेकिन इश्क मुस्तफ़ा का पता कैसे चलता है? मैं भी कह दूं कि मैं आशिक़ रसूल हूं, मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत करता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं, आप भी कह सकते हैं, लेकिन इसका पता कैसे चलता है कि हाँ ये बिल्कुल इसके अंदर इश्क मुस्तफ़ा की चिंगारी है? पता कैसे चलता है? जैसा कि अल्लामा साहब फरमा रहे थे, जो भी आते हैं उनका लुब लुबाब यही होता है कि हुजूर किबला बाबा साहब के जनाजे ने बता दिया कि इश्क मुस्तफ़ा क्या होता है, इश्क मुस्तफ़ा क्या होता है। एक अल्लामा साहब से मेरा रब्ता हुआ, मैंने कहा यार सुन्नी जो है ना यतीम हो गया है, तकरीबन 2-3 दिन बाद बाबे जी के विसाल के बाद। तो वो कहने लगा पहले हम झूठ मारते थे, वो अपनी जबान से कहने लगा, कोई भी मौलवी की वफात हो जाती कहते सुन्नी यतीम हो गया, सुन्नी यतीम हो गया, अब सच हो गया सुन्नी यतीम हो गया। बात समझे? वो कहते पहले हम ऐसे झूठ, कोई भी मौलवी फौत हो जाता कहते सुन्नी यतीम हो गए, सुन्नी यतीम हो गए, लेकिन कहते अब मेरा दिल कह जाए कि हकीकत में यतीम अब हुए हैं। वो बात यही थी कि हुजूर किबला शेखुल हदीस व तफसीर, हुजूर किबला बाबा जी सरकार के दिल में जो इश्क मुस्तफ़ा था और जो अमल था, उस अमल की क्या बात है, जो अंदर था वही बाहर था, जो अंदर था वही बाहर था। तो मुझे अचानक एक हदीस मुबारक याद आ गई, अल्लामा साहब तो फरमा रहे थे जार मजरूर का, मुझे तो ये पता नहीं है सुलासी मुजरद कौन होती है, खुमासी मुजरद कौन होती है, मुजीजी कौन होती है, क्या होता है, मुझे किस चीज़ का पता नहीं है। लेकिन अभी इस बात करते हुए मुझे वो एक हदीस याद आ गई कि गालिबन हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु तआला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तशरीफ फरमा है और भी साहब अकराम अली रिजवान तशरीफ फरमा है। तो प्यारे अका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे साहबा, क्या तुम आज जंती इंसान को देखना चाहते हो? क्या बात, बात थोड़ी सी तवज्जो से सुनना, तवज्जो बरहाल है मेरी तरफ आपकी, अल्लाह ताला मजीद आपको बरकतें अता फरमाए। तो प्यारे अका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया तो साहबा ने आज की या रसूल सल्लम जरूर उसकी ज्यारत कराए। तो प्यारे अका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब मस्जिद के दरवाजे की तरफ देखो, किसकी तरफ, मस्जिद के दरवाजे की तरफ देखो। सब देखने लगे और साथ फरमाया कि अब जो मस्जिद का दरवाजा क्रॉस करके अंदर आएगा वो जंती है, वो जंती है। तो थोड़ी सी देर गुजरी, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि एक शख्स आया जिसके बाएं हाथ में जूता था और वुजू ताजा करके आया, अभी पानी के कतरे टपक रहे थे, हमने देखा, वो आया देख के हम खुश हो गए कि सुभान अल्लाह, देखो कैसा शख्स है जो चलता फिरता जंती, जिसको आमना के लाल ने जंती करार दे दिया। दूसरा दिन वही आया तो फिर प्यारे अका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या जंती को देखना है? फिर अर्ज की या रसूल अल्लाह जरूर देखना है। बस ऐसा हुआ कि प्यारे अका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो मस्जिद के दरवाजे की तरफ देखो कौन आ रहा है, तो जो अब सबसे पहले मस्जिद में आएगा वही जंती होगा। दूसरे दिन भी वही शख्स आया और तीसरा दिन आया, फिर प्यारे अका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीसरे दिन भी
वही शख्स आया तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि मेरे जहन में बात आई इसके साथ चलूं, नमाज तो मैं भी पढ़ता हूं, जो मेरे ऊपर इस्लाम के लवाजमात है कोशिश करता हूं उनको पूरा करता हूं। आमना के लाल ने मेरे लिए नहीं फरमाया, बड़े बड़े सहाबा बैठे हैं उनका नाम नहीं लिया, इसका नाम लिया, जबकि इसकी जियारत में मैं पहली बार कर रहा हूं, इसको देखा भी नहीं है, इतना मशहूर भी नहीं है, इतना नाम वर जवान भी नहीं है, लेकिन आमना के नाम इसको चलता फिरता जन्नत का सरदार बल्कि जनती इसको करार दे रहे हैं। इसकी वजह क्या है, इसका अमल देखूं। बस वक्त ऐसा हुआ, आप फरमाते हैं मैं चला, जब वो बह निकला उसके साथ चल पड़ा, और चलते चलते जब वो अपने घर पहुंचने लगा तो मैंने अर्ज की कि मेरा थोड़ा सा घर वालों से इख्तलाफ हो गया है, एक दो दिन के लिए मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूं। तो मैं उसके साथ रहा, उसने शाम को मुझे खाना दिया और इशा की नमाज पढ़ी, बाकी सो गए। मैं हर वक्त उसकी चारपे की तरफ देखता रहा कि कब उठेगा, ये सजदे करेगा, तहज्जुद पढ़ेगा, कुरान पाक की तिलावत करेगा, जिक्र अज़कार करेगा, इसका अमल क्या है। लेकिन वो सारी रात सोया रहा, बस एक नजारा देखा, जब वो करवट तब्दील करता था तो अल्लाह का नाम लेता था, बस सारी रात सोया रहा। और जब सुबह हुई तो वैसे ही मामूल के मुताबिक जैसे मैंने नमाज पढ़ी उसने पढ़ी। 3 दिन मैं उसके साथ रहा और 3 दिन गुजरने के बाद मैंने अर्ज की, हुजूर मुझे कोई घर वालों से नाराजगी नहीं थी, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि मैं बिल्कुल घर वालों से खुश हूं, कोई मुझे परेशानी नहीं है, मैं तो फकत यह देखने आया था कि आमना के लाल ने आपको जंती करार दिया है, 3 दिन हम आपकी जियारत करते रहे, 3 दिन कोई शख्स मस्जिद में सबसे पहले नहीं आ सका, बल्कि आप आए, मैं तो देखने आया था कि कौन सा अमल करते हो, मुझे कोई ऐसा अमल नहीं नजर आया जिसकी वजह से आमना के लाल ने आपको जन्नत का टिकट दिया है। वो अमल बता दें, वो अमल कौन सा है। तो वो शख्स रोने लगा, कहने लगा अगर क्यामत तक अल्लाह तबारक व तआला मुझे जिंदगी अता कर दे, तू मेरे साथ रहे, तो उस मेरे अमल से तू वाकिफ नहीं हो सकता, लेकिन 3 दिन तू इस जद्दोजहद में था, तेरी ख्वाहिश थी और मेरे आका के लबाए मुबारक से सुनकर आया कि ये जंती है, अब मैं अपने जंती होने का राज तुम्हें बता देता हूं, कान खोल कर सुन ले। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं तो मैंने कहा हुजूर जल्दी सुनाए, मैं तो बेताब हूं 3 दिन से। तो वो शख्स रोकर कहने लगा कि ये सजदों की वजह से या और इबादत की वजह से आमना के लाल ने मुझे जन्नत का टिकट नहीं दिया, बल्कि जन्नत का टिकट देने की जो वजह है वो वजह ये है, जो मेरे सीने में धड़कता हुआ दिल है ये हर शख्स के लिए बुग्ज निफाक से पाक है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें मोहब्बत के साथ साथ, क्योंकि वो हदीस पाक भी है ना कि जिसको जिसके साथ मोहब्बत होती है उसका जिक्र भी करता है और उसका कौल फेल चाल ढाल भी अपनाता है, उसके फरामीन पर भी अमल करता है। मोहब्बत के साथ साथ हमें अल्लाह तबारक व तआला अपने और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अल अमीन। जनाब कारी अब्दुल मालिक साहब अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे, तो अब मैं दावत देता हूँ जनाब मास्टर अज़गार नक्शबंदी साहब को, तो वो तशरीफ लाएंगे और चंद मिनट में अपने ख्यालात का इजहार फरमाएंगे। इंशाल्लाह हम बकरीब आते जा रहे हैं, इंशाल्लाह मुज़म्मल अहमद सईदी साहब के माइक हवाले करेंगे, फिर इंशाल्लाह आपके इस महफिल को आगे लेकर जाएंगे। तशरीफ लाते हैं जनाब मास्टर अज़गार नक्शबंदी साहब। आपने कहा हो गया, अब मैं दावत देता हूँ आशिक रसूल हर महफिल की जीनत बनने वाले
और यकीनन इस इलाके में मैं पहले भी कहता हूँ कि चौधरी बड़े हैं, लेकिन बहुत सारे चौधरी जो हैं वो आका की इस महफिल में आने से कतराते हैं। तो चुतराहट भी चाहिए उनको, नाम भी चाहिए, वोट भी चाहिए, लेकिन वो नहीं चाहते कि आका ने मुस्तफा की महफिल में आकर बैठे। जवाहर चौधरी है जो जहां भी बुलाया है इसने लबैक कहा है। इस्तकबाल रबी अव्वल का जुलूस हो या कोई भी महफिल हो तो अल्हम्दुलिल्लाह तामन भी फरमाते हैं भरपूर और शिरकत भी फरमाते हैं और आखिर तक बैठकर दुआ में ये शमूलियत करके जाते हैं। और यकीनन अहले सुन्नत पर इनका बड़ा एहसान है, अल्लाह ताला इनके इल्म फजल में बरकत फरमाए। मैं दावत देता हूँ तशरीफ लाते हैं हाजी सज्जाद अहमद साहब। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। या सुल्ला अस्सलातु वसलाम सैयदी या हबीबल्लाह। दोस्तों तकरीरा का उस्ताद भी बैठे सारे करे सुन गए और साड़ी हिम्मत भी नहीं थोड़े सामने बोलने की, लेकिन इश्के मुस्तफा इश्के नबी वास्ते दो लफज कहने साढ़े वास्ते बाइस्ते सर था। मैं कहूँगा कि दोस्त है बाप मिलजुल के सारे इम्तियाज साहब का साथ दो, असी भी इन्होंने खड़े हाँ हर मैदान च हर जगह से इंशाल्लाह सारे दोस्त अहबाब सारे साथी इंशाल्लाह इन महफिलों नू सजावांगे और इश्क़ मुस्तफा घर घर इतनी रोशना शमा रोशन करांगे इंशाल्लाह। असी भरपूर इस चीज़ नाल तुहाडे नाल साथ देवांगे और अपने कोल महफलां दा इंतकाद करांगे और इंशाल्लाह मिलजुल के सारे इस चीज़ नूं अगे वधावांगे। अस्सलाम अल्लाह ताला इनके इल्म फजल में बरकत अता फरमाए, हमारे हौसले बढ़ाए हैं, हमारे साथ पहले भी हैं अब भी उन्होंने अयादा किया है। अल्लाह ताला इनके इरादे में मजीद बरकत अता फरमाए। अब मैं दावा देता हूँ डॉक्टर इश्तियाक अहमद वाला साहब को तशरीफ लाएं जो सदर रहे हैं अंजुमन नौजवान अहले सुन्नत के अरब तहरीक इश्के मुस्तफा का काम भी कर रहे हैं, कि तशरीफ लाएं और अपने अलावा भी किसी को सुनने की आदत पैदा करें, अपने अलावा भी किसी को सुनने की अपने अलावा भी किसी को सुनने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि किसी को सुनेंगे तो फिर किसी को सुनाएंगे। अगर हम साहब पहले पुर हों तो फिर किसी की क्या सुनेंगे, उन्होंने अपना वक्त उन्हें को दे दिया और आप हमारे साथ हैं। तो मैं दिल की गहराइयों से खासकर अब्दुल कयूम साहब खलीफा मजाज आस्थान आलिया गंगोर शरीफ वो हमारे दरमियान मौजूद हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने शफकत फरमाई और जमात के इस तहरीक में वो हमारे साथ और चल रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी चलेंगे। अब मैं दावा देना चाहता हूँ तशरीफ लाते हैं दुनिया नकाबत का अजीम नाम और अदीब अहले सुन्नत नकीब अहले सुन्नत जिला बहावलपुर में और क्या डिस्ट्रिक्ट में पंजाब में हर जगह आपका नाम है, तशरीफ लाते हैं जनाब मुजम्मल अहमद सईदी साहब। नारे तकबीर, आप मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है, आप आ गए इंशाल्लाह आपको बुलवाएंगे भी और इंशाल्लाह मदीने तक ले जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जनाब मुजम्मल अहमद सईदी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। का मुसलसल नजूल हो, अनवारे सरमदी का मुसलसल नजूल हो, दामन में मेरे गुलशने मिदहत का फूल हो, मैं भी रसूल पाक की उम्मत का फर्द हूँ, मेरा भी अस्सलामु अलैकुम कबूल हो। हम्द बिशुमार उस खालिक अजल के लिए जो खालिक कायनात भी है और जन्मदाता भी, जो राजी के इंसानों हैवानात भी है और इंदाता भी, जो कादिर मुतलिक भी है और सर्वशक्तिमान भी, जो रहीम भी है और क्रियालु भी, जो करीम भी है और कृपालु भी, वही जात एक है पर नाम नेक है, वही जो निजाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है,
ذکر رسول پاک ہے جب سے میری زبان پر ذکر رسول پاک ہے جب سے میری زبان پر رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر خدا منہ پہ مار دے گا ریاکاری کی نماز خدا منہ پہ مار دے گا ریاکاری کی نماز کیا ناز کر رہا ہے ماتھے کے نشان پر سخن کے شور سے کچھ کٹ کے نعت پڑھتے ہیں ہم روایتوں سے ذرا ہٹ کے نعت پڑھتے ہیں درود آل محمد کو رٹ رٹ کے نعت پڑھتے ہیں حسنین کے نانا کا کھاتے ہیں بیٹھ کے گھر میں خدا کا شکر ہے ہم ڈٹ کے نعت پڑھتے ہیں خدا کا شکر ہے ہم ڈٹ کے نعت پڑھتے ہیں چارے یار نبید عاشق پر کوئی نہیں ہے نہ چارہ ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا اینا جان اشارا ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی اینا چاروں یارا ورگا شان صدیق دی میں کی رساں بس اکو یار ہزارہ ورگا بس اکو یار ہزارہ ورگا میں سادھا مبارک بات پیش کرتا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا امتیاز محمود نقشبندی صاحب کو کہ جنہوں نے اس قدر روح پرور کیف آور ایمان افروز اور باطل سوز محفل کا انعقاد کیا ہے دعا گو ہوں اللہ پاک اس تحریک عشق مصطفیٰ کو مزید دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرمائے آپ سب کا یہاں آنا ہمارا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے میں سب کے نام سے واقف نہیں ہوں قبلہ علامہ نور احمد صحیح صاحب جلوگر ہیں جتنے بھی قاری غلام حسین فخروی صاحب جلوگر ہیں جتنے بھی احباب یہاں تشریف فرما ہیں اگر میں کسی کا نام نہ بھی لے سکوں تو مدینے والا سب کے نام بھی جانتا ہے اور سب کے کام بھی جانتا ہے ان سب کی حوصلہ افزائی کے لیے بس میں یوں کہہ دوں کہ یہ بزم میں ہے جام جم نہیں ہے آقا کی محفل میں کوئی کسی سے کم نہیں ہے آقا کی محفل میں کوئی کسی سے کم نہیں ہے میں اپنی گفتگو کی بنیاد رکھتا ہوں کہ علامہ صاحب میرے حاضری کی کتنے منٹ ہیں جی حبیب احمد قاضی صاحب تشریف لائے میں خوش آمدید کہتا ہوں میری حاضری کا کتنا ٹائم ہے جی جی ٹھیک ہو وہ میں اس نقیب کو بھی کامیاب نقیب نہیں سمجھتا نا جو خود تو آپ کے ساتھ آپ کے مائک کے ساتھ رائڈ ہو جائے اور آنے والے احباب کا ٹائم بھی لے جائے ایک سنیوں والا ایک نعرہ سنائیے اور میں اپنی نوکری کا آغاز کرتا ہوں نعرہ تکبیر جس کا ہاتھ ٹھیک ہے ذرا ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ خلافت نعرہ خلافت نعرہ حیدری بھائی میں نے کہا ہم کو جو حضور کی مدحت کا شوق ہے ہم کو جو حضور کی مدحت کا شوق ہے شہزاد فریدی صاحب وجہ بنے ان کی وجہ سے میں یہاں حاضر ہوں اور اپنی زندگی کے کالے اور سیاہ لمحات آقا کے ذکر سے روشن منور کر رہا ہوں بہت شکریہ پوری توجہ میں نے کہا ہم کو جو حضور کی مدحت کا شوق ہے ہم کو جو حضور کی مدحت کا شوق ہے بھائی وجہ کیا ہے یہ جو آج کیمرہ مین بلائے گئے ہیں ساؤنڈ لگایا گیا ہے یہ لائٹنگ کی گئی ہے بھائی وجہ کیا ہے یہ جو تحریک عشق مصطفیٰ چلائی گئی ہے بھائی وجہ کیا ہے میں نے کہا ہم کو جو حضور کی مدحت کا شوق ہے دنیا میں باغبان یہ جنت کا شوق ہے ہم کو جو حضور کی مدحت کا شوق ہے دنیا میں باغبان یہ جنت کا شوق ہے ذکر نبی سے روح کی تطہیر بھی کرے جن کو فقط بدن کی طہارت کا شوق ہے ذکر نبی سے روح کی تطہیر بھی کرے جن کو فقط بدن کی طہارت کا شوق ہے اے کعبے کو جانے والے تجھے یہ خبر نہیں کعبے کو خود نبی کی زیارت کا شوق ہے کعبے کو خود نبی کی کعبے کو خود نبی کی کعبے کو خود نبی کی میں اس سے تو اچھا پڑھ رہا ہوں نا اس کے بغیر اچھا پڑھ رہا ہوں نا آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا جی بولیے گا کعبے کو خود نبی کی زیارت کا شوق ہے پوری توجہ چاہیے کعبے کو خود نبی کی زیارت کا شوق ہے میں نے کہا ہے جو شخص میرے نبی کا طلبگار نہیں ہے جو شخص میرے نبی کا طلبگار نہیں ہے اس تحریک عشق مصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے یہ میسج کنوے کر رہا ہوں وہ لوگ جو اچھا شعر سن لیتے ہیں اچھا کہہ لیتے ہیں جن کو میسیجز کرنے کی عادت ہے موبائل کے ٹیکسٹ میں جا کر جن کی انگلیاں بڑی روانی سے چلتی ہیں آج میرا جملہ گرا کیجئے گا میں نے کہا ہم کو جو حضور کی مدحت کا شوق ہے ہم کو جو حضور کی بھائی جو شخص میرے نبی کا طلبگار نہیں ہے جو شخص میرے نبی کا طلبگار نہیں ہے انسان صحیح مگر صاحب کردار نہیں ہے انسان صحیح مگر صاحب کردار نہیں ہے ہم کو تو قیامت میں بچا لیں گے محمد وہ لوگ کہاں جائیں گے جن کا مددگار نہیں ہے وہ لوگ کہاں جائیں گے جن کا مددگار نہیں ہے
वो लोग कहां जाएंगे जिनका मददगार नहीं है। हम हरफे आम में कहते हैं, कारी साहब किबला, हम हरफे आम में कहते हैं 12 रबीउल अव्वल का दिन हमारे नबी की पैदाइश का दिन है। ये दिन हमारे नबी के पैदा होने का दिन है। पर मुजम्मिल अहमद सईदी का इश्क कहता है, नहीं, ये दिन मेरे नबी के पैदा होने का दिन नहीं, ये दिन हमारे नबी की आमद का दिन है, ये दिन हमारे नबी की दुनिया में तशरीफ आवरी का दिन है। मेरे नबी उस वक्त भी थे जब जमीनो जमान थे, जब मकीनो मकान थे, जब चुनीनो चुनान थे, जब अरशो बयान थे, जब बागो बहान थे, जब गुलामो सुल्तान थे, जब मलाइका शैतान थे, जब रूहे कुल न थी, जब इंसानियत कुल न थी, जब विलायत कुल न थी, जब विलायत कुल न थी, जब इयादत कुल न थी, जब इबादत कुल न थी, जब सखावत कुल न थी, जब बलावत कुल न थी, जब इमामत कुल न थी, जब हुकूमत कुल न थी, जब रिसालत कुल न थी, जब कलीमो मसीह न थे, जब रसूलो नबी न थे, जब उमरो अली न थे, जब अलियो अली न थे, जब तारों में चमक न थी, जब फूल में महक न थी, जब परिंदों में छहक न थी, जब हवा में दहक न थी, जब रात का सनाना न था, जब हवा का फराका न था, जब सूरज का जलाना था, जब दिन का उजाला था, जब सूरज में गर्मी न थी, जब रेशम में नरमी न थी, जब पहलो बर का मौजूद न था, खुशको तर का मौजूद न था, भाई चिन्नो बछर का मौजूद न था, जब जब का मौजूद न था, जब कब का मौजूद न था, जब इलाकों बस्ती न थी, जब कैफो मस्ती न थी, जब बुलंदी और पस्ती न थी, या बनाने वाले खुदा की हस्ती थी या बनने वाले मुस्तफा। या बनाने वाले खुदा की हस्ती थी या बनने वाले मुस्तफा की हस्ती थी। काश अगर आसमां तेरे तलबों का निजारा करता, मैं रोज एक नया चांद तेरे तसद्दुक में उतारा करता, मैं रोज एक नया चांद तेरे तसद्दुक में उतारा करता। मैंने कहा हदीसे सरवरे आलम की तर्जुमा ठहरी, हदीसे सरवरे आलम की ये जो खाते बनाए गए ना नाउज़ बिल्ला माज़ अल्लाह हमारे नबी के, मैसेज दे रहा हूं मैसेज। मैंने कहा हदीस सरवरे आलम की तर्जुमा ठहरी, सबब हुजूर से मोहब्बत का मेरी माँ ठहरी, ओ फ्रांसीसी सदर जा पूछ अपनी माँ से कहां कहां से वो गुजरी, कहां कहां वो ठहरी, कहां कहां से वो गुजरी, कहां कहां वो ठहरी, कहां कहां से वो गुजरी, कहां कहां वो ठहरी। सुनियो वाला सिर्फ एक नारा सुनाइए, नारा तकबीर, ऐसा नारा हो जहां से मैसेज जाए, पता चले आज 71 डीबी में, 71 डीबी में इश्क मुस्तफा की तहरीक चलाने वाले लोग सरकार का इश्क जो दिल में लिए बैठे हैं, पता चले नारा तकबीर, आप तमामी अब आपका अभी तो शौक ताजा होना चाहिए ना, सीने का दोनों हाथ बंद करके सीने का पूरा जोर लगा के, पता चले हम यहां नबी को सोचने वाले नहीं सरकार को मानने वाले बैठे हैं। दोनों हाथ बंद करके लब्बे 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 या रसूल अल्लाह, लब्बे 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 या रसूल अल्लाह, लब्बे लब्बे या रसूल अल्लाह। तुसी देख रहे हो, तुसी ना देख रहे हो, जेड़ा बंदा इस रात तो लबैक का नारा ना लावे, भाई वो पुलिस वाले सानू चौक के ले जाएंगे, उत्थे कबर इच की करोगे, उत्थे सिर्फ लबैक वाले ने काम आना है, उत्थे सिर्फ यही मैसेज सी बाबा खादम रिजवी दा, उत्थे सिर्फ लबैक वाले ने काम आना है। जदों सरकार दा चेहरा मुबारक दिखाया जाएगा ना, तो पूछा जाएगा कबर इच दस दुनिया दे विच इन्हां दे बारे की गुमान रखदा सी, उदो जेड़े कहंदे सन ना भी माज़ अल्लाह साडे वड्डे भरा जी दा, उन्हां नूं लिदर पैणे ने, ते जेड़े इह कहंदे सन भी ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਲਬੈਕ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਢਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਲਬੈ 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 ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਲਬੈ 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 ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਲਬੈ ਲਬੈ ਲਬੈ। ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਇਸ਼ਕ ਪਰ ਰੰਗ ਨੂਰ ਕੇ ਸਾਂਚੇ ਮੇਂ ਢਾਲ ਕਰ, ਹਮ ਸੁੰਨੀ ਤੋਂ ਰੱਖਤੇ ਹੈ ਅਕੀਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ, ਉਠੇਗੀ ਅਗਰ ਮੈਲੀ ਆਂਖ
नबी की नानूस तल सुन्नी तो रख देंगे आंखें निकाल कर। रब्बे 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 या रसूलल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैंने कहा अपने किरदार का तू गाजी बन जा। कतल आखिरी जुमला और मेरी हाजिरी तमाम। मैंने कहा अपने किरदार का तू गाजी बन जा। इस प्लेटफॉर्म से इश्क मुस्तफा का मैसेज भी गया है और आज मैं अपने मनसब को इस्तेमाल करते हुए ये मैसेज भी कन्वे करना चाहता हूँ। बहुत कम हमारे स्टेटों पर यह मैसेज कन्वे होता है, खसूसन नुकबा की तरफ से, लेकिन मैंने कहा अपने किरदार का तू गाजी बन जा। अभी मेरा नारा लगाया ना, नारा हैदरी, तो सबने एड़िया उठा के सुभान अल्लाह कहा। ठीक है, अब मैं जो जुमला पढ़ रहा हूँ ना, जिसके दिल की बात हो वो जरूर बोलेगा। मैंने कहा जी अपने किरदार का तू गाजी बन जा। जीत लो पाए कोई तुझको, ऐसी तू बाजी बन जा। बड़े बड़े भी झुकेंगे तेरे कदमों में, शर्त ये है कि बस तू नमाजी बन जा। बस तू नमाजी बन जा। इन्हीं जुमलों में कि फकीरा ना आए सदा कर चले, आप सदा कुछ रहें हम दुआ कर चले। अल अजमतु लिल्लाह। और फिर की सारी जमीन से ये शहनशाह नकाबत अदीब अहले सुन्नत जनाब मोहम्मद मजम्मल अहमद सईदी साहब अपने गुफ्तगु फरमा रहे थे। पढ़े लिखे नौजवान हैं और यकीनन पूरे पाकिस्तान में जाते हैं और इसी तरह इश्क मुस्तफ़ा की शमा रोशन फरमा रहे हैं। आप जिन जिन को सुन रहे हैं ये इश्क मुस्तफ़ा की तहरीक के अल्हम्दुलिल्लाह जो चमकते दमकते सितारे हैं, ये ऐसा गुलदस्ता बन रहा है यकीनन जिसको सुनेंगे पहली वाली खुशबू भूल जाएंगे, नहीं आपके दिमाग को मुअत्तर कर देगी। अब मैं दावा देता हूँ हबीब अहमद कादरी साहब को, जैसे मैंने पहले कहा कि वो इस तरह का राग लगाते हैं कि मस्जिद में जो था वो दीवार में जो है वो इस तरह हिलना शुरू हो गई, तब इन्होंने वहां राग शुरू किया। सच्चे राग लगाते हैं तो फिर वही कहीं गाड़ी में शुरू हो गया। ये गाड़ी में जा रहे थे तो एक्सीडेंट इनका हुआ है। अफसोस की बात है, हमारे बुजुर्ग नात खां हैं कारी गुलाम साहब फखरी साहब भी साथ थे और वसीम मेहर भी साहब भी साथ थे और वहां से ये रोड पे इनका एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी इतना गलटियां खाई कि ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने आका का जिक्र के सदके इन्हें महफूज रखा। तीनों को कुछ नहीं हुआ और लोगों ने निकाला और गाड़ी तो जो कुछ हो गया है, लेकिन इनका इश्क आज भी जवान है। अभी आप इनको सुनेंगे तो इंशाल्लाह कमाल हो जाएगा। और इसके बाद जो है दो तीन हस्तियां और हैं तो इंशाल्लाह फिर अनाउंसमेंट करेंगे तहरीक के हवाले से और फिर इंशाल्लाह लंगर शरीफ का अहतमाम है, लंगर शरीफ है और आपको इंशाल्लाह वो भी पेश करेंगे। तो दो तीन हस्तियां जो रहती हैं उनका बयान भी होगा तरीके इश्क मुस्तफ़ा का, जो पूरे इस सेमिनार का आखिरी ऐलान है वो भी इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। जनाब हबीब अहमद कादरी साहब, हमने कोशिश की है इसमें जो होते ना एक प्रोफेशनल नात खां और प्रोफेशनल लोगों को, हमने आर्टिफिशियल लोगों को जहां दावत नहीं थी उनको नहीं बुलाया। बहुत सारे हैं मेरे जहां महफिल हुई है आपने देखा है बहुत सारे लोग थे और आते रहते जाते रहते हैं, जो जनरल लोग थे जो वाकई आका की मोहब्बत का दर्द रखते हैं और समझते हैं, मैंने उनको दावत दी है और मैं उनके आने का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब हबीब अहमद कादरी साहब। Yeah.
सरकार बुलाएंगे गुनाहगार कहाँ है, तो सरकार बुलाएंगे गुनाहगार कहाँ है, बन जाएगी माशर सरकार शफाअत के लिए आए हुए हैं, क्योंकि सर क्योंकि सरकार शफाअत के लिए आए हुए हैं। वसल्लम अलैका या हबीब कासर जितना तुस आखिए मेरा सिर दता जी वे, मगर मैं जी सिलेक्ट की थी इश्क मुस्तफा वास्ते रात में हुआ पढ़ता वहां दो मिसरे ठीक है दो मिसरे बाद उमरी दो मिसरे बस
बस यही गुनाहगार चाहिए। इंतजामिया के सामने जब इश्तियार जाता है ना तो वो कोशिश करते हैं महफिल ना हो। इस्तकबाले रबीउल अव्वल का जुलूस था तो वो बड़ा मुख्तसर सा था, पहली दफा इतने सालों के बाद कर रहे थे, इतना चर्चा भी नहीं था जितना चर्चा हो गया। इतना चर्चा हुआ कि डीपीओ डीसीओ तक जो है वो इस जुलूस की जो है वो मामला चला और रात 1-2 बजे बड़ी मुश्किल से वो मामला जो है वो सीधा हुआ कि बोला इकबाल अहमद नक्शबंदी साहब हमारे अमीर हैं जमात अहले सुन्नत के, तो उन्होंने कहा जो मर्जी हो जाए जुलूस निकालने निकालने। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह निकला तो कितना बंदे कम थे लेकिन चर्चा बहुत ज्यादा था। वो मिस्त्री नूर मोहम्मद साहब के पास जाकर पहुंचा तो इसका भी उन्होंने कहा कि आप क्यों कर रहे हैं। हमने कहा हमारा सेमिनार जो लिखा हुआ ना साथ इसको जरा पढ़े। तो सेमिनार होता है चंद लोग होते हैं, इतना ज्यादा ना जलसा है, जलसा हो तो लोग होंगे तो चंद लोग होते हैं। उन्होंने कहा खुले आम करिएगा, ऐसे करिएगा, ऐसे करिएगा। तो मैंने उनको आज सुबह भी 10 बजे उन्होंने कहा, मैंने कहा इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। दरवाजा जो आप बंद करते हैं ना तो जो बीमारी जो है जो तो है हर एक को पता है,
तो कोई शिकार हो रहा है, कोई नहीं हो रहा, तो इसके खोलने से एक तो वहां की क्रॉसिंग हो रही है, दूसरा जो हमने उनसे वादा किया था कि हम यकीनन कम लोग होंगे और 300 से कम होंगे और इंशाल्लाह आपका जिसे आपने कहा है उसी पर अमल करते हुए बैठक को कराएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट है, मानना पड़ेगा और कुछ ना कुछ उनकी मान लें तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं रहती, क्योंकि यहाँ रहना है और ये जो है इंतजामिया करने ही ना दे तो ना करने से बेहतर है कुछ ना कुछ जरूर हो जाए। अच्छा ये तो है ना उनका अकीदा, हमारा अकीदा पता क्या है, कभी यो दर्दा दी मारी नहीं हुंदी, कभी यो दर्दा दी मारी नहीं हुंदी, ए जमीन कभी ओते भारी नहीं हुंदी, जेड़ा लावे इश्क मुस्तफा दे बद बद के नारे, कसम खुदा दी ओ नु करो ना बीमारी लावे महफिल च इश्क मुस्तफा दे नारे ओनू कदी करो ना बीमारी माशाल्लाह इसी जज्बात के साथ नदावत। قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين। सब तो पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मुजाहिद अहले सुन्नत खतीब शोला बयान हज़रत मौलाना मोहम्मद इम्तियाज़ महमूद नक्शबंदी मुजद्दी साहब नूं कि अल्लाह पाक ने उन्हां नूं उस सोहने काम वास्ते मुंतखब फरमाया है जड़ा खुद रब करता है। इश्क मुस्तफा दा प्रचार करना इस काम वास्ते अल्लाह ने इम्तियाज साहब नो चुन लिया है। और यकीनन ये गल सब नो पता होएगी कि खालके कायनात हर काम वास्ते हर किसी नो मुंतखब नहीं फरमाता, जिवें सोने अल्लाह ने अपने महबूब दे गुलामा वास्ते सहाब वास्ते आम लोगों नु चुनिया नहीं मुंतखब फरमाया कुछ लोगों नु, उन्ना चो सारे नु अल्लाह ने अपने नबी दे गुलाम वास्ते गुलामी वास्ते सारे नु नहीं चुनिया, चंद लोगों दा इंतखाब फरमाया, और जिन्हां दा इंतखाब फरमाया उन्ना नु असीं यारेदार भी कहने हैं, मुरादे मुस्तफा भी कहने हैं, मौला कायनात उन्हें शामिल ने। जिस तरह उन्हें लोगों का इंतखाब होया, उन्हें नेक हस्तियां का इंतखाब होया, इसे तरह आज दे दौर च गुलामी वास्ते इश्क मुस्तफा दे प्रचार वास्ते अल्लाह पाक ने साडे मुजाहिद नूं चुन लिया। और आपा लोग भी जिहड़े आए बैठे हैं यकीनन साडे वास्ते भी ये गल बाएसे फखर है कि अल्लाह पाक ने सानू भी अपने महबूब की गुलामी वास्ते मुंतखब फरमाया है कि असी अपने घरां चो अपना आराम छड़ के अज अल्लाह दे सोने महबूब की खातर इत्थे जमा होए। ये तुसां इम्तियाज़ साहब की दावत ते नहीं आए, तुसां नूं रब ने बुलाया है। मैं भी बयान नहीं करना, कोई मैं वाज नहीं करना, मैं बस इम्तियाज साहब नूं एक गल कहनी है कि इम्तियाज साहब जमात अहले सुन्नत जामिया नूरुल मदारस और जामिया नूरुल मदारस की सारी टीम पहले भी तुहाडे नाल सी, इंशाल्लाह हुण भी असी सारे तुहाडे नाल। क्योंकि एक काम ऐसा है
कि इस काम दे नाल किसे नु कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता। मुख्तलिफ जमातां दे मुख्तलिफ तरीका कार हुंदे ने, जिस तरह कई दोस्तां नु बाबा जी दे नाल इख्तलाफ हो सकदा सी, ओ इख्तलाफ बाबा जी दे काम दे नाल नहीं सी, तरीके कार दे नाल इख्तलाफ हो सकदा सी। इम्तियाज साहब दा भी जिहड़ा काम है ओ सब दा मुश्तरीका काम हैगा, किसे एक बंदे दा काम नहीं। इश्क मुस्तफा नू फैलाना ए सारे मुसलमानां दे फर्ज है, किसे एक बंदे वास्ते नहीं, क्योंकि कोई ना कोई लीडर हुंदा है, कोई अगे आन वाला हुंदा है, कोई राहबर हुंदा है, कोई रहनुमा हुंदा है। ते अल्लाह पाक ने इम्तियाज भाई दे अंदर एक खसूसियात पैदा कीतियां ने, जिस तरह जमात अहले सुन्नत ने इन्हां नू नाज़मे आला बनाया, कुछ देख के बनाया। बज़ाहर इम्तियाज भाई कोई मदारस के अंदर कोई पढ़े हुए नहीं, कोई बज़ाहर वो कोई दरस निज़ामी के फाजल नहीं, बज़ाहर वो कोई दौरा हदीस किते हुए नहीं, वो हाफ़िज़े कुरान नहीं, मगर जड़ियां खुदादात सलाहियतां इन्हां दे कोल है ने, उन्हां सलाहियतां दी वजह ते ए बहुत सारे आलमां तो अगे वधे। नारे तकबीर, रिसाला, रसूल अल्लाह, खिलाफा, खलूस दे नाल इश्क मुस्तफा दा प्रचार करन दी, इश्क मुस्तफा नू फरोग देन दी अल्लाह नू तौफीक दे। अल्लाह सानू सब नू खलूस दे नाल बगैर किसे लालच तो, बगैर किसे तमा तो, अल्लाह सानू इम्तियाज भाई दा साथ देन दी तौफीक दे। अल्लाह सानू सब नू गुलामी रसूल दे विच जिंदगी बसर करन दी तौफीक दे। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह। इस आसान मरकज दे मुंतजम आला आलम साहबजादा इकबाल अमन नक्शबंदी दामन कातुमालिया दे छोटे भाई ने, और यकीनन जामिया इस्लामिया नूर मदरसा दे नाज़िम ने, और अलहम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने खास फजल फरमाया कि यकीनन जदों इन्हां नूं कोई वेंदा ना अहमद इन साहब याद आ जाते हैं। ऐसी सिफत और ऐसी मुहब्बत दे ये पैकर ने। और मैं हुण दावा देना चाहना साडे बेहतरीन आलम दीन इलाके दे अंदर तशरीफ लैके आए ते पूरा इलाका नूर आला नूर हो गया। सुभान अल्लाह। किसे ने कहा सी जुलूस किथे लैके चले हो, रब्बी अलवल दा मैं नूर कोलों शुरू होना है ते नूर ते मुकणे। ते आखिर किथों होएगा, मैं नूर कोलों शुरू होना है ते नूर वाले ना जुलूस है ना नूर कोल जाके मुक जाना। नूर अहमद साहब को शुरू करना है ते फिर घूम घुमा के नूर मोहम्मद साहब को जाके पहुंच के खत्म हो जाए। ते साडी इन्नी की पहुंच है ते असीं कर भी इन्ना ही सकदे आ, साडी पहुंच ही नूर वाले तक है। ते इंशाल्लाह नूर वाले आकर नजरे करो फरमाई ते इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। ते मैं बिला तखीर दावा देना चाहना खतीब अहले सुन्नत मुकर्रज़ी शान हजरत अलामा नूर अहमद सईदी साहब नूं कि तशरीफ लियान और अपने ख्यालात तो साडे दिलां नूं मुनव्वर फरमान, और इस तहरीक बारे भी एक सैर हासिल गुफ्तगु फरमानगे। जनाब अलामा नूर अहमद सईदी साहब, नारा तकबीर, नारा रिसाला, नारा हैदरी, अलामा नूर अहमद सईदी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, بسم الله الرحمن الرحيم, أحب إليكم من الله ورسوله, قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم, من أشد أمتي حب الناس يكونون بعدي, يود أحدهم لو رآني بأهله وماله, أو كما قال عليه السلام। सदकत या रब्बल आलमीन व सदकत या खातमन नबीयीन, अस्सलात व सलाम अलैक सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलात व सलाम अलैक सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलात व सलाम अलैक सय्यदी या रहमतन लिल आलमीन, व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या खातमन नबीयीन। मोहतरम व मुकर्रम सामीन किराम, हजरात ज़ीवकार, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मशायख़ ए इज़ाम,
قرآ حضرات و ثنا خان مصطفیٰ و جملہ عشاق مصطفیٰ، رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کی آج کی یہ کاوش، محنت، مل بیٹھنا، جمع ہونا اپنی بارگاہ الوہیت میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ بہترین ہیرے اس پورے ضلع بلکہ اب ڈویژن سطح پر کے تمام افراد یہاں پر تشریف فرما ہیں، دور دراز علاقوں سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس محبت بھرے انداز میں جو حضرات تشریف لائے، میں سب حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عظیم الشان سیمینار جس کا انعقاد مجاہد اہل سنت، غازی اہل سنت، برادر مکرم حضرت العلام مولانا امتیاز محمود نقشبندی جی دوجتہو، اور آج کی اس بزم کے مہمان خصوصی جناب محترم عزت مآب منتظم اعلیٰ جامعہ نور المدارس حضرت علامہ اعجاز احمد نقشبندی جی دوجتہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب حضرات کا چل کرانا اور حوصلہ افزائی فرمانا اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً یہ ایک اہم کام جو بھائی امتیاز محمود نقشبندی صاحب نے شروع فرمایا، رات پر دن کبھی میرے ساتھ میٹنگ ہے، کبھی علامہ جاوید احمد چشتی صاحب کے پاس میٹنگ ہے، جہاں بھی بیٹھا اس کی دلی ایک تمنا تھی کہ سرکار کے عشق کا نعرہ لگانے والی کوئی ایسی ایک جماعت ہو جو افراد میرے دست و بازو بنے اور ہم علاقے کے اندر سرکار کی عظمت کے نعرے لگائیں۔ تو یہ چپ نہیں کرتا، اس کو یہ ایک عادت ہے کہ یہ کبھی چپ نہیں کرتا، یہ بہت بولتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو جو صلاحیت دی ہے نا بولنے کی، کمال بولنے کی صلاحیت ہے۔ جس بات پہ تبصرہ کرنا ہو حضرت کو کہہ دو تو ماشاءاللہ اس کا اگر منفی رن بھی نکلتے ہو نا تو اس میں سے یہ مثبت پہلو ثابت کر کے اس کو ایک اچھا سا پیش کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ بھائی امتیاز صاحب، آپ کو میں آپ کی محنتوں کو سراہتے ہوئے آپ کو دل کی تھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ جس مشن کے لیے دن رات تجھے نیند نہیں آتی تھی، آج الحمدللہ ان لوگوں نے اپنے آپ کے وجود کو پیش کر کے، اپنے عزم کو پیش کر کے، اپنے ارادوں کو پیش کر کے آپ کے دست بازو بننے کا انہوں نے جو عہد کیا ہے، اس میں میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ کارواں ایسے نہیں رکے گا، آج تھوڑے ہیں، انشاءاللہ یہ اکٹھے ہوتے ہوتے سرکار کے غلاموں کو اکٹھا کرتے 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 انشاءاللہ ہم مدینے پہنچیں گے۔ ہماری منزل مدینہ ہے بس، اور تحریک فروغ عشق مصطفیٰ یہ ایک بہت بڑا پیارا نام ہے، تحریک کی وجہ سے کچھ لوگ اس نام کو دیکھ کر حرکت میں آ جاتے ہیں، لیکن ویسے تحریک کا معنی بھی یہی ہے کہ کچھ حرکت میں آنا۔ تو جتنے بھی صاحبان بیٹھے ہیں اس پنڈال کے اندر، اس مسجد کے اندر، کوئی خطیب بھی ہے، کوئی ادیب بھی ہے، اور بھائی مزمل صاحب نے ماشاءاللہ بڑے کمال کا عشق بیان فرمایا، تو اس حوالے سے جتنے حضرات بھی بیٹھے ہیں ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ ہم نے سرکار کی عظمت اور سرکار کی عشق کو دوسروں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ علماء کا کام ہے، اور بھائی عدنان صاحب تشریف فرمایا ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تشریف لائے، حاجی سجاد احمد چودھری صاحب وہ بھی تشریف لائے ان کے ساتھ۔ تو عزیزان محترم، ہر بندہ یہ کوشش کرے، یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں کہ انہوں نے ہی نعرہ لگانا ہے۔ میں نے بھائی صاحب کو حکم کیا، میں نے کہا کہ بھائی حاجی سجاد احمد چودھری صاحب کو پیش کریں،
तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी मस्जिद की खिताबत में ये बड़ा एक जुमला मैंने कह दिया बात करते करते। मैंने कहा कि सरकार के इश्क के मुतालिक सिर्फ बयान करने वाले हम हैं, आपको नजर आते हैं। इस पूरे भरे मजमे में से मैंने कहा अगर मैं अपने नंबरदार को कहूं कि उठ सरकार की सीरत के मुतालिक कुछ बयान कर, पंचायत करना तो आती है, बातें करने तो आती हैं, क्या सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम की कोई बात लोगों के सामने खड़ा होने की यह सलाहियत भी है? तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अपने चक से एक फर्द को लाया हूं जो बजाहिर ना आपको मौलवी नजर आएगा, बजाहिर आपको ना वो नाथा नजर आएगा, वो कुछ भी आपको नजर आए या ना आए, लेकिन जब वो स्टेज पर खड़ेगा तो इंशाल्लाह इश्क रसूल की बात जरूर करेगा। और हमारे दरमियान में मिस्त्री नूर मोहम्मद साहब मौजूद है, आप इसको देखें, बजाहिर इसका हुलिया देख लें तो कोई बंदा इसको ना मौलवी गिने, ना इसको कोई नाथखा गिने, ना इसको कोई, बजाहिर देखते हुए ना ये कारी नजर आए ना ये आलिम नजर आए, लेकिन जब इसे स्टेज पर खड़ा कर दो तो सरकार की सिफतें सुना सुना के आशिकों के दिल को मचला देता है। तो इस तरह हर बंदे के अंदर यह जज्बा होना चाहिए, तहरीके फरोगे इश्क मुस्तफा का मकसद यही है, अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर। और खुदा की कसम ये हमारे सिर्फ जज्बाती अंदाज के सिर्फ जुमले ही नहीं है, सारे इस्लाम को आप खंगाल कर देख लें, तारीख के औराक पर कर देख लें, कुरान पाक के एक एक आयत और वर्क को संभाल संभाल कर देख लें, खुदा की कसम सारी इबादतें बाद में नजर आएंगी, सबसे मुकद्दर जो चीज नजर आएगी वो मोहब्बत रसूल नजर आएगी, सबसे मुकद्दम मोहब्बत रसूल, और कोई चीज भी इंसान के पल्ले में ना हो, सिर्फ और सिर्फ यह दावा हो कि मैं रसूल अकरम का सच्चा गुलाम हूं। हुजूर की बात है, और खुदा की कसम आज आप लोग कहते हैं कि फराइज कितने हैं, आओ हम तुम्हें यह फर्ज बताएं, आओ हम तुम्हें यह फर्ज बताएं, मैं कहता हूं कान खोल कर सुन लो, दामन इस्लाम के अंदर सबसे बड़ा फर्ज कौन सा है? इस माहौल के अंदर जिस पोजीशन में आज हम मुसलमान जिंदा सांस ले रहे हैं, खुदा की कसम नमाज की फजीलत बाद में ना बोलो, आपको कोई हक नहीं है, आपको कोई हक नहीं है, जो यहां पे सिर्फ एक वाह वाह के तौर पर बात नहीं कर सकता वो नारा कैसे लगाएगा? यहां से हीरे वो चमकते हुए मुजम्मिल भाई बड़ी फीसें लेकर स्टेज पर आता है और बड़े नखरे से पड़ता है, मैंने कई मर्तबा इनकी बातें सुनी है और महफिलें इनकी अटेंड की है, लेकिन ये इश्क की बुनियाद जहां है खुदा की कसम बैठा नहीं जाता, मचल मचल के हर किसी का मजबूत दिल होता है कि मैं भी कुछ पढ़ लूं, मैं भी कुछ पढ़ लूं। अजीजा ने मोहतरम दामन सलाम में फर्जियत के बाबू को खोलते चले जाओ, नमाज भी फर्ज है लेकिन बाद में, ज़कात फर्ज है लेकिन बाद में, रोजा फर्ज है लेकिन बाद में, हज फर्ज है लेकिन बाद में, खुदा की इज्जत की कसम जो सबसे बड़ा फर्ज है वो आज के दौर में यही है कि मुस्तफा करीम की इज्जत और एहतराम का पहरा देना। हमें ये तो इख्तलाफ है मौलवियों का, इनके पेटू के चक्कर हैं, ये अपनी बातें कर रहे हैं, तू होटल पे बैठा है, तू मजदूर है, तू रेही चलाता है, तू मजदूरी करता है, दुकानदारी करता है, जहां पर जिस मसलक पे भी तू बैठा है, एक बंदा आए और आकर तुझसे सलाम कहे, उस सलाम के साथ ही तू उसको इश्क मुस्तफा की चिंगारी लगा लेना नाल, उसे पता चले कि वहां बाबा की किसी आशिक रसूल के पास आया। लोग बड़ी बड़ी बैठकें खोलते हैं और कहते हैं कि मेरी बैठक पे लोगों का काट हो, मेरी बैठक पे लोगों का इज्तिमा हो, लोग मेरे पास मसाइल लेकर आए, वो अपने मसाइल लेकर आए और आकर आपके पास बैठे तो ये चौधरी साहब उनके मसाइल भी साथ साथ हल करते जाए और उनके दिलो दिमाग में महबूब दो आलम की मोहब्बत भी तो जागुजी करते चले जाए। वाकई
اپنے کسی مسند پر بیٹھ کر تو نے پنچایت کی ہے، خدا کی قسم چودراہٹ بچے نہ بچے، زمیندار بچے نہ بچے، مولویت مولویت بچے نہ بچے، مدارس بچے یا نہ بچے، کسی کی کوئی سلطنت بچے یا نہ بچے، کوئی پرواہ نہیں، بس اسی بات کی پرواہ ہے اس کائنات میں رہے تو بس عزت رسول رہے۔ سمندر کی بات اور، باہر کی بات اور ہے، اندر کی بات اور، سیدی کی اس بات کو جگہ دل میں دیجئے، ملنا کی بات اور ہے، قلندر کی بات اور ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ عشق کا کارواں، یہ محبت رسول کا کارواں ایک طبے سے، اور میں اس طب کو ٹبا نہیں کہتا بلکہ اس کو زرخیز کہتا ہوں، اس میں سے سونا، یہ ٹبا پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ میں اس مسجد بنائی ہے جی، یہاں پر بچھو آتے ہیں، یہاں پر سانپ آتے ہیں، یہاں پر فلاں آتے ہیں، یہاں پر فلاں آتے ہیں، مجھے فلاں چیز سے خطرہ ہے، یہاں سے آس پاس میں تھیڑ ہے، بڑا پرابلم ہے۔ تو آج الحمدللہ حضرت یہاں پر دیکھو نا کہ کیسی یہ، اور جب اس نے بہت بڑی علاقائی سطح پر ایک بہت بڑی محفل اٹاٹ ہوتی ہے، لوگ تو بس کہہ کر چل دیتے ہیں نا جی، بس جی یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، جسے پتہ ہوتا ہے، جسے درد ہوتا ہے کہ اسلام کے نام پر، سرکار کی عزت کے نام پر کیا کچھ ہمارا خرچ ہو رہا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے، خدا کی قسم بچوں کی پرواہ تک نہیں رہتی۔ اللہ کرے اللہ سب کو مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ سب کو مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ خدا کی قسم جب بندہ جاندا ہے نا تو سرکار کے روضہ الوند ہے، حضور کے روضہ اقدس پر جب نگاہ پڑتی ہے، سامنے دیکھو کہ کس طرح کا روضہ سجا ہوا ہے، جب سرکار کے روضے پر نگاہ پڑتی ہے، خدا کی قسم سب سے بھول جاتی ہے، آل و عیال کی پرواہ تک نہیں رہتی، بندہ سوچتا سمجھتا یہی ہے کہ بس جیوں تو مدینے میں جیوں، مروں تو مدینے میں مروں۔ لیکن یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے چن چن کے ڈیوٹی لگا دی ہے، جا امتیاز وہاں جا، اکٹھا ہو، سب کو اکٹھا کر، اور اکٹھا کر کے لوگوں کی ایک بہترین جماعت بنا کر علاقے میں پھیل جا، علاقے میں پھیل جاؤ، اور علماء کو اکٹھا کر لو، ثنا خان کو اکٹھا کر لو، ذمہ داروں کو اکٹھا کر لو، تاجروں کو اکٹھا کر لو، ان کے دستے بازو بن کر سرکار کے عشق کے لیے نکل پڑو، جیسے جیسے قدم اٹھاتے چلے جاؤ گے اللہ کی مدد بھی تمہارے۔ اور یہ ذمہ داری ہمارے اوپر آئی ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، سب سے بڑی برائی گستاخی رسول ہے، سب سے بڑی نیکی عزت رسول ہے، سب سے بڑی نیکی عزت رسول ہے، اور سب سے بڑی برائی وہ گستاخی رسول ہے۔ عزت مصطفیٰ کے لیے اپنے بازو نکال نکال کر سرکار کی عظمت کے نعرے لگاتے چلے جاؤ، اور جہاں پھر یہ بازو سرکار کی عظمت کے نعرے لگا رہے ہوں وہاں پر اگر دوسرا کام بھی آ جائے تو کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ظاہر جس طرح کی یہ کوریج ہے، اس طرح کے ماحول میں یہ باتیں کرنا نامناسب ہے، اور حضرت صاحب نے اپنے جذبات کا اظہار مکمل کر کے اب تھوڑا سا پیچھے ہیں، اب لوگ اور جو عاشق ہیں وہ تھوڑا تھوڑا بڑھ بڑھ کر آگے آتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پر بیان کیا اور علامہ صاحب نے کہا کہ آپ کی تقریر کے یہ الفاظ بہت سخت ہیں، تو میں نے کہا میں میرے الفاظ سخت ہیں، آپ خود آپ سخت ہیں، کیا بات جی، آپ خود آپ سخت ہیں، اور الحمدللہ ہم بھی کسی کے زور پر بولتے ہیں، کیا بات، اگر ہم بولتے ہیں تو کسی کے زور پر بولتے ہیں، الحمدللہ ہمارے چک کے افراد بھی اس قدر الحمدللہ میری ہر ہر بات کو وہ کوریج بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ الحمدللہ جس طرح یہ بیان کا سلسلہ ہے، اور ہمارے ہاں اہل تشیع لوگ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں، تو الحمدللہ کبھی مجھے اس بات کا گلہ اپنے چک سے نہیں ہوا کہ حضرت جی آج آپ کی تقریر بڑی سخت تھی، بڑے دل جمائی کے ساتھ کہا کرتے ہیں، آج آپ نے حق ادا کر دیا، آج آپ نے اپنے ممبر پر بیٹھ کر بیٹھنے کا حق ادا کر دیا، تو یہ حوصلہ افزائی وہاں سے شروع ہوئی، اور امتیاز صاحب کا ساتھ ملا، اور الحمدللہ جو شفقتیں جو مہربانیاں مفتی اقبال احمد نقشبندی صاحب کی ہمارے ساتھ ہیں،
अल्हम्दुलिल्लाह इंतजामी मामला बने, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो मुफ्ती साहब की बिला फौरन ही उसको हल करते हैं और फरमाते हैं कदम बढ़ाओ, डरने की कोई जरूरत नहीं, ये फकीर तुम्हारे साथ है। तो इंशाअल्लाह हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं, हमारे अकाबर हमारे साथ हैं। जिस कदर भी ये एक बहुत बड़ा बेहतरीन गुलदस्ता आपके सामने मौजूद है, ये इंशाअल्लाह इश्क मुस्तफ़ा के हवाले से हम अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। जहां इस फकीर की जरूरत हो, अल्लामा इम्तियाज साहब की जरूरत हो, जावेद साहब की जरूरत हो, फखरी साहब की, मुजम्मिल भाई की, सुफियान भाई की, और ये भाई उस्मान साहब की, जिन जिन अफराद की जिस जिस मकाम पर जिस जिस को जरूरत हो, तो फोन करना आपका काम है। इंशाअल्लाह ये सरकार के नौकर बनकर पेश होंगे। अल्लाह पाक मेरी और आप सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह अकदस में कबूल फरमाए। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ अल्लामा इम्तियाज महमूद नक्शबंदी साहब को। इंशाअल्लाह कदम बनाए, हम इंशाअल्लाह आपका हर कदम साथ देंगे।